सीएम योगी आदित्यनाथ का मिशन रोजगार जारी। चयनित नायब तहसीलदारों को दिया नियुक्ति पत्र, कहा अब नौकरी के लिए किसी सिफारिश की जरूरत नहीं। यूपी बीजेपी युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की हुई बैठक, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने किया उद्घाटन। लखनऊ में विपक्ष पर जमकर बरसे योगी, कहा बीजेपी राज में 4.5 लाख नौकरियां और सुरक्षा का माहौल, दीपावली के दिन अयोध्या में रहकर मनाएंगे दीपोत्सव। यूपी में जातिगत समीकरणों को साधने में जुटी पार्टियां, आम आदमी पार्टी लखनऊ से करेगी चाणक्य विचार सम्मेलन का आगाज, पार्टी ने हरिशंकर पांडे को बनाया है प्रबुद्ध प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष। मिशन यूपी के लिए लखनऊ बनेगा प्रियंका गांधी का ठिकाना, सोमवार से शुक्रवार तक राजधानी में ही रहेंगी प्रियंका, अक्टूबर में वाराणसी और नवम्बर में लखनऊ में होंगी सभाएं। विधानसभा चुनाव से पहले जोड़ तोड़ की राजनीति में जुटे अखिलेश यादव, कांग्रेस के कई बड़े नेता सपा में शामिल। लखनऊ में बुंदेलखंड के कांग्रेस प्रभारी गयादीन अनुरागी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, पूर्व विधायक हैं गयादीन। आगरा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्षी पार्टी नहीं ट्रस्ट। बागपत पहुंचे बीजेपी सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, पंजाब के हालात पर बीजेपी सांसद ने ली चुटकी, कहा कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो गई है। बागपत में राज्य मंत्री उदयभान सिंह ने की प्रेसवार्ता, सरकार की बड़ी योजनाओं के बारे में दी जानकारी, कहा 2022 में पूर्ण बहुमत से बनेगी सरकार।